फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्निकल माउन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप यदि कोई भी टिकट से बुक करते हैं जहां से ट्रेन बन करके चल रही है और जहां तक आपको जाना है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। बोर्डिंग पॉइंट को लेकर के कभी बाहर आपको प्रॉब्लम्स आ जाती है कि आपका टिकट कन्फर्म होते हुए भी आप अपने सीट पर ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा यहीं पर। चलिए, नॉर्मली हम एक कोई भी ट्रेन सेलेक्ट कर लेते हैं और सर्च ट्रेन पर हम क्लिक करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही देख पा रहे हैं ये ट्रेन है, अब हम इसका रूट आपको दिखाते हैं। हमने रूट पर सेलेक्ट किया, तो जैसे ही देख पा रहे हैं आप ये ट्रेन बनकर चल रही है उधना जंक्शन से, और आपको यहाँ पर यहाँ से बैठना है। जैसे कि कोई भी एक दो स्टेशन छोड़ करके, सपोज आप इटारसी जंक्शन पर बैठना चाहते हैं या कहीं भी, एग्जांपल के तौर पे यदि आप जहाँ से टिकट्स बुक कर रहे हैं, यदि आप यहाँ से बुकिंग कर रहे हैं फर्स्ट स्टेशन से और आपको बैठना है यहाँ पर, तो आपको बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। अन्यथा इस बीच में यदि यहाँ पर चेक हो गया टिकट्स, तो आपका टिकट्स कैंसिल भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम तो आपको आ जाएगी। तो जब भी आप टिकट्स बुक करिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से ट्रेन बनकर चल रही है जहाँ तक ली लास्ट स्टेशन तक बुक करिए, लेकिन जहाँ से आपको बैठना है वहाँ पर आप बोर्डिंग पॉइंट ज़रूर चेंज कर लीजिए, क्योंकि बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही वहाँ पर टीटी आएगा और वो उन्होंने यदि सीट खाली दिखा दी, तो वो करंट में चली जाएगी, यानी उसकी बुकिंग होने लगेगी, तो आपको वहाँ पर बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना ही है। बोर्डिंग पॉइंट कैसे चेंज करना है यदि आपको ये पता नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे अपने बुक टिकट में बोर्डिंग पॉइंट चेंज करें। तो इस वीडियो में यही है, आपको इससे कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कहाँ से